जैसा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन है जिसमें जो ये प्रॉपर है, प्रॉपर क्यों है, क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 ये और 1 ये, 3 डिग्री पॉलिनोमियल और न्यूमरेटर में 1 डिग्री है, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहा जाएगा। रेशनल फंक्शन है तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में फ्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि इंडिविजुअल जो आपका फ्रैक्शन है वो इंटीग्रेबल हो जाए। तो कैसे हम लोग एज्यूम करते हैं, जब भी आपके पास एक नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आती है, x² + 1 आपका क्या है, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है, तो जब भी नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आती है तो आप क्या करते हो, एक क्वाड्रेटिक, एक लीनियर जनरल लीनियर एक्सप्रेशन मानते हो, है ना, अपान नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, है ना, अगर फैक्टराइजेबल होती तो हम लोग लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लेते। खैर ये क्या हो जाएगा, प्लस, चूंकि x - 1 लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, से सी आ जाएगा, ठीक। अब आपको एनी हाउ ए बी सी की वैल्यू चाहिए, अब आपके पास कोफिशियंट कंपेरिजन तरीका है, x की आर्बिट्री वैल्यू आप प्लेस कर सकते हो, वो भी एक तरीका होता है, तो हम उसी से अप्रोच करेंगे क्योंकि उससे टाइम कम लगता है आपका, है ना। आपके पास एक फैक्ट पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, एक हमेशा आइडेंटिटी होती है ये, खैर x इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो x² + 1 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ बच जाएगी, तो दैट कम्स आउट टू बी ax + b टाइम्स x - 1 एंड प्लस c टाइम्स, ये वाली ब्रैकेट कटेगी, x² + 1 बचेगा। अब क्या किया जाए, अब चूंकि ये आइडेंटिटी है तो सूटेबल वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। टास्क क्या है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, हम लोग क्या करें, x की वैल्यू अगर 1 डाल देते हैं तो ये पूरा a और b साथ ही में अब्सेंट हो जाएगा, तो अकेला बचेगा c, उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो क्या रखते हैं, x = 1, है ना, यहाँ पे पुटिंग लिख देंगे, पुटिंग x = 1, व्हाट्स वी गेट, 1 = ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 और 0 मंडलाएगी तो 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं हम, तो c, अब 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 2, तो 2c = 1, तो c कितना आ गया आपका, c आ गया हमारा 1/2 आ गया, ठीक है, तो एक तो आ गया। अब a और b निकालना है, सोचिए अब क्या किया जाए, इसके लिए अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो a अब्सेंट हो जाएगा, है ना, और c बच जाएगा, लेकिन c तो पहले जा चुका है, तो b हमारा निकल जाएगा ना, तो क्या पुट कर दें कि x = 0, आप इक्वेशन सॉल्व करने से बच जाएंगे इस तरह से अगर करेंगे तो, अभी डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन ये आसान पड़ेगा आपके लिए, a (0+b), और यहाँ पे आप रखोगे x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये -1 आ जाएगा, प्लस ये 0 रखोगे तो आप c आ जाएगा, है ना, तो ये कितना दिख रहा है आपको, यहाँ a ख़त्म हो गया, -b, तो 0 = -b + c हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो c की वैल्यू है वो b की वैल्यू दोनों इक्वल हो गई, मतलब b = c हो गया, और c पहले ही आ चुका है हाफ, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो गई आपकी, हाफ हो गई। अब रही बात सिर्फ और सिर्फ a निकालने की, है ना, तो अब क्या किया जाए a निकालने के लिए, तो अब आर्बिट्री कुछ भी रख दीजिए, छोटी वैल्यू रखिए आपके लिए आसान होगा, तो x की वैल्यू -1 प्लेस कर देते हैं, अब इससे छोटी कोई तो आएगी नहीं वैल्यू, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 प्लेस कर देते हैं, तो -1 = ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, -a + b, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, -2, फिर आपका यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, मतलब प्लस का 2c हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, या 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो ये जाएगा -1/2, और माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a - b + c, अब b और c तो पहले ही आ चुका है, हाफ और हाफ वैल्यू प्लेस कर देते हैं b और c, तो a - 1/2 एंड + 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2, मतलब a की वैल्यू आ गई -1/2, है ना, तो इस वाले पार्ट में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, इसीलिए इसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन को आपको दिया जाता है, ठीक है, सॉल्व किया जाता है आपके लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आप प्रोसीड करिएगा, हम यहीं पे वैल्यू रख दे रहे हैं ए बी और सी की, तो ए की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, -1/2, बी की वैल्यू आपकी हाफ हो गई, और सी की वैल्यू वैसे भी हाफ है, है ना, ये तीनों निकाल, अब यहाँ से इसे इंटीग्रेट करने का मतलब, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दीज
टू पार्ट, और चूंकि इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर होता है तो सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आखिरी वाला तो काफ़ी आसान है आपके लिए, आखिरी वाला लॉग हो जाएगा, लेकिन पहले वाले में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से अलग कर देते हैं और यहाँ से अलग कर देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव यहाँ अपीयर करा लेंगे हम। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस किए हैं फर्स्ट टू एक्सरसाइज में तो आपको स्ट्राइक करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और फिर हाफ अपॉन प्लस हाफ अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और ये आखिरी बचा आपका, ये तो था ही आपका, प्लस हाफ अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट यहाँ भी बाहर ले लीजिए, हाफ हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ वन बच जाएगा, और यहाँ भी हाफ बाहर कर लेते हैं, यहाँ भी वन बच जाएगा। तो देखिए इसका तो साफ साफ दिख रहा है कि ये लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, और इसका टेन इनवर्स हो गया। अब रही इसकी प्रॉब्लम, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आता है, टू एक्स आता है, एक टू की कमी है, पूरा कर दीजिए है ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये हो गया आपका माइनस वन बाई फोर लॉग ऑफ मॉड, लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसके बाद क्या हो गया आपका, प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स हो गया, ये स्टैंडर्ड है आपका, और ये हो गया माइनस का हाफ लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।